नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय लहसुन का जो बाज़ार है वो तेज़ी और मंदी के दौर से गुजर रहा है। कभी तेज़ी देखी जा रही है, कभी फिर नरमी आ जाती है। और नीमच जो मंडी है, प्रदेश की सबसे बड़ी मसाला और औषधि उपज मंडी है। साथ ही यहाँ जो लहसुन है, लहसुन भी बड़ी मात्रा में आता है। रोज़ाना बंपर लहसुन की आवक बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं। और यहाँ जो है नीमच ज़िले के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान और आसपास के जो ज़िले हैं, इवन जो बड़ी मंडी है कोटा और इंदौर की, तो इस क्षेत्र से भी किसान बड़ी संख्या में अपनी लहसुन लेकर यहाँ पहुँचते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो दाम नीमच मंडी में मिलता है वो शायद ही कहीं दूसरी मंडी में मिलता है, जिसके चलते किसान दूर दूर से यहाँ आते हैं और उपज बेचते हैं। ऐसे ही लहसुन से जुड़े हुए एक व्यापारी हैं समीप जी चौधरी, जो कि क्षेत्र में लहसुन के कारोबारी अच्छे माने जाते हैं। और कुछ सवाल हैं हमारे जिनको लेकर वे अपनी राय रखेंगे। तो समीप भाई, आपका स्वागत है मार्केट टाइम टीवी में। एक तो ये कि लहसुन का जो दौर चल रहा है अभी, ऐसा चल रहा है तेज़ी मंदी का, तो क्या कारण है उसका? तेज़ी मंदी तो क्या है, आवक का प्रेशर से हो जाती है। जैसे अभी पहले आवक के बीच में कम हो गई थी तो उस समय बाज़ार तेज हो गया था। अब आवक का जो प्रेशर वापस आया है, जैसे आवकें बढ़ती तो बाज़ार घटता भी है। और अभी जो वर्तमान में माल आ रहा है, 70% माल डैमेज आ रहा है, देशी माल जी, जिसमें हरापन की बीमारी आ रही है और वो उत्पादन भी कम बैठ रहा है, किसानों को नुकसान भी है उसमें, और भाव भी कम मिल रहा है उसका, वो माल क्या टिकता नहीं है। और अच्छे जो देशी माल जो बढ़िया आ रहे हैं, वो माल जो आ रहे हैं बढ़िया, वो थोड़े ऊँचे बिक रहे हैं, 10-11 हज़ार रुपये बिक रहे हैं अभी। और आने वाले समय में उनके भाव अच्छे, यहाँ से आप 10 वाला माल 20 हज़ार इस साल फिर वापस बिकेगा और अच्छा रहेगा, किसानों के लिए भी बढ़िया है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा साल है ये। और उत्पादन कम बैठा है किसानों का, जो किसान बता रहे हैं यहाँ आ रहे हैं मंडी में, वो कह रहे हैं कि माल हमारे यहाँ कम बैठ रहा है। और अभी देखने को मिल ही रहा है मंडी के अंदर, जो हरेपन की बीमारी वगैरह आ गई है, डेम्पू स्टेम माल हो गया है, ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। और अभी अभी भारत से डिमांड निकली इंडोनेशिया की जी, अभी माल इंडोनेशिया यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। और आने वाले समय में बांग्लादेश भी कुछ ही दिनों में, 1 या 2 तारीख 3 तारीख तक उसका भी डिमांड निकलेगा, तो बाज़ार बढ़ना ही है, बढ़ना है कुल मिला के। अच्छा, एक चीज़ देखने आ रही है, ये जो 12-14 के आसपास लहसुन जा रहा है, तो ये जो सीमा है कब टूटेगी, मतलब ये क्या ऊपर जाएगा? नहीं, हाँ ऊपर ही जाएगा, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। जो अभी वर्तमान में बाज़ार है, जो गिरना था गिर चुका है, अब गिरना नहीं है, क्योंकि माल का उत्पादन कम है, किसानों के पास स्टॉक भी कम है। क्योंकि जो 25-26 हज़ार 30 हज़ार जो लहसुन बिका है, उस समय बहुत ही स्पीड से किसानों ने माल बेचा है, और मेरे को भी करीब करीब 24 साल इस मंडी के अंदर हो गए, ये भाव मैंने गीले माल के आज तक नहीं देखे हैं। अच्छा, एक जो चीन की लहसुन का है कि स्मगलिंग होती है, तो क्या चीन की वजह से कोई अपने मार्केट पर असर पड़ता है? नहीं, चाइना का माल जो भी है उसका भाव 160 रुपये से लेके 180 रुपये अभी वर्तमान में भाव है, तो वो अभी आएगा भी नहीं। और 2 नंबर में जो आ रहा था उस पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है जी। और अभी जो लहसुन है, कि अभी पैदावार को लेकर क्या लगता है, कितनी क्या पैदावार रही होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पैदावार? रकबा तो जो रकबा था इस साल, किसानों का कहना है कि इस बार जो रकबा था सवाया था, पर माल बैठा नहीं है। जो 20 क्विंटल 25 क्विंटल जो बिघाई की लहसुन बैठनी चाहिए, वो लहसुन किसी के 10 क्विंटल किसी के 15 क्विंटल इस टाइप से बैठी है। तो आप ये मानो गए अगले साल, पिछले साल 2023 में जो रकबा था वही रकबा होगा। एक चीज़ और देखने को आती है कि जैसे लहसुन है, एक महीने करीब पहले की बात करें, 1-1.5 महीने पहले तो 30 हज़ार रुपये पार कर गई थी। हाँ, तो अब वो स्थिति क्या फिर से आएगी, या वो जो स्थिति है उसको लेकर क्या संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस तरह का हालात क्या बनेंगे? स्थिति वापस आएगी, और लहसुन जो है स्टार्टिंग में जो भाव आए हैं वो किसानों का भाग्य भी है। उसके अंदर क्या हुआ कि जो पिछले साल 2023 में जो माल था पुराना, जो मार्च अप्रैल तक पुराना माल लहसुन चलता है, वो इस साल बहुत स्पीड से ख़त्म हो चुका है। तो ये उसकी वजह से नए माल में तेज़ी आई है, डिमांड भी अच्छी थी। और तेज़ी मंदी आपने देखा भी होगा, बीच में एक दिन जो 6 हज़ार बिका है माल, और दूसरे दिन 14 हज़ार भी हो गया था 2 दिन में, इतनी तेज़ी मंदी हुई थी। जो आवक का प्रेशर था उसमें व्यापारी डर जाता है कि माल बहुत आ रहा है, क्या होगा आगे, तो डर से घबराहट से जो तेज़ी मंदी हुई बीच में, जो आप कह रहे हैं ना 13-14 हज़ार हो गई, तो मैंने देखा है 6,6600 वाला माल दूसरे दिन ही 13 हज़ार हो गया, इतनी तेज़ी मंदी हमने देखा, डबल हो गया 2 दिन में, डबल हो गया ये भी रहा। एक चीज़ और जैसे रह के आती है कि कभी एकदम तेज़ी कभी एकदम मंदी, तो ये इसका रीज़न क्या है, मतलब होता काहे की वजह से? आवक का प्रेशर रहता है, और आगे जो माल जाता है हमारा, आगे कटिंग जो होती है, आगे जो सेंटर पे माल जाता है, तो वहाँ भी माल का बिकरा होगा, तो वहाँ से सपोर्ट, सेंटर सपोर्ट करता है, तो हमारा भी सपोर्ट होगा तो काम चलेगा ना। निर्यात जो है होता ही है, स्वाभाविक है, तो अभी किन किन देशों में हो रहा है और आगे किन किन देशों में और संभावना बढ़ जाएगी, ताकि उत्पाद, सॉरी, जो मांग
भारत से अच्छी मिले, किसानों को और व्यापारियों को लाभ हो? अभी देखो इंडोनेशिया चालू हुआ है, जिसमें सबसे छोटा माल आता है उसको हम बोलते हैं भोंगी, बारीक वाली, छर्री से छोटी वाली। अच्छा, उससे उसका डिमांड चला है। और थोड़े कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश चालू हो जाएगा, 1-2 तारीख के आसपास बांग्लादेश की भी डिमांड निकलेगी। हाँ, ये जो दूसरे अमेरिका वगैरह इस देश तरह के देशों की मांग, अमेरिका में अभी तक तो माल गया नहीं है। देखो अभी चल रहा है, इस साल हो सकता है कि माल का डिमांड निकल सकता है। अच्छा, और उधर से वो डिमांड निकलता है तो यूँ समझो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो चलेगा तो उससे किसानों का भी फायदा रहेगा और व्यापारियों का भी फायदा रहेगा। इंडस्ट्री प्रयोग के लिए भी लहसुन का जो मांग बढ़ रही है, तो इस भारतीय बाजार को देखते हुए क्या लग रहा है इसको? देखो साहब, अपने इंडिया के अंदर आज की तारीख में पर डे की 1 लाख बोरी पर डे या हिंदुस्तान के अंदर खपत, 1 लाख बोरी पर डे हिंदुस्तान के अंदर अपनी देश की जनता खाती है। तो उसको अब बाहर भी भेजेंगे तो डिमांड निकलेगी। तो ये लहसुन आने वाले समय में अभी जो 100 रुपये 125 रुपये बिक रहा है और ऊटी 150 रुपये बिक रहा है, तो ये वापस 30,000 रुपये हो जाएगा, आराम से बिकेगा इस साल, हमारी उम्मीद ये है। मतलब कुल मिला के जो आने वाला समय है किसान के, किसानों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी बहुत दोनों अच्छा फायदेमंद होगा। 2023 और 24 दोनों ही साल अच्छे निकलेंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो आने वाला दिन है वो किसान भाइयों के लिए और व्यापारियों के लिए अच्छा होगा। तो अभी जैसे एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि कुछ किसान रोक रहे हैं, कुछ व्यापारी भी स्टॉक कर रहे हैं, तो वो उनको मतलब निश्चित तौर पे आगे बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा ना। किसानों ने क्या है, अभी जो माल बेचा ना, गीला माल जो 20,000-25,000 जो बेचा है, वो लोग वापस 10,000-12,000 में माल पकड़ रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने बेचा वो बेचा जो भी ले रहे हैं, मतलब किसान भी स्टॉक कर रहा है, किसान भी स्टॉक कर रहा है। आपके एमपी लाइन के खाचरुदा बेल्ट है, बड़नगर बेल्ट है, इंदौर बेल्ट है, पाटीदार समाज के, धाकड़ समाज के किसान जो जिन्होंने क्या करा है, 50 लाख का माल बेचा है, तो आज वो 15-20 लाख की लहसुन ले रहा है, क्योंकि 2 सालों से हर आदमी को बेनिफिट मिला है, किसान भी तेजी मंदी करने लग गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, किसान भी अब मतलब कुल मिला के कॉमर्स वो व्यावसायिक हो गए हैं, और व्यावसायिक होने से उनको भी लाभ मिल रहा है। और जिस तरह से समीप भाई बता रहे हैं कि आने वाला समय लहसुन के जो कारोबारी हैं, लहसुन के जो किसान हैं, उनके लिए गोल्डन साबित होने वाला है, तो जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है उनको भी खुश होने की ज़रूरत है। तो मार्केट टाइम्स टीवी का आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स नीमच।